तो दोस्तों शॉमी की तरफ से आने वाला Mi A3 जो कि जुलाई 2019 को ऑफिशियली लॉन्च हुआ था, और लॉन्च से कुछ दिन बाद जो है मैंने इसे ऑफलाइन स्टोर पे जाके बाय किया था, और आज से 2 वीक बाद जो है इस स्मार्टफोन का 2 साल कंप्लीट हो जाएगा। सो आज के इस वीडियो पर जो हम स्मार्टफोन की रिगार्डिंग मेरे 2 साल के पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि अब तक जो है इस डिवाइस के अंदर प्रॉब्लम्स, ड्यूरेबिलिटी, परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर अपडेट्स को लेकर के क्या क्या चीज़ें देखने को मिली है, और क्या ये 2021 में बाय करना चाहिए या नहीं, और साथ ही साथ Mi A3 के एंड्रॉयड 12 के अपडेट्स को लेकर के क्या क्या अपडेट्स देखने को मिली है, और ये आप कैसे अपने इस फोन के अंदर जो है इंस्टॉल कर पाओगे। सो आज के इस वीडियो पर जो है इन सारे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, और अगर आप Mi A3 यूज़र हो तो वीडियो को जो है एंड तक देखना, जहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ों को जो है रिलेट कर पाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भाई नो डाउट जब ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था तब ये काफ़ी ज़्यादा डिमांड में था, जो कि हमें 13,000 के प्राइस रेंज के अंदर ये एक पहला फोन था जो हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट प्रोवाइड करा रहा था। और यूजर का तो पता नहीं, लेकिन मैंने खुद जो ऐसे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की वजह से जो है बाय किया था, जहां पे हमें ग्लास बैक के साथ एक काफी प्रीमियम और एक स्लीक डिजाइन के साथ हमें देखने को मिला। ये स्मार्टफोन HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन 665 के साथ आया था, जहां हमें इस बॉक्स के अंदर ही जो है एंड्रॉइड 9 पाई का सपोर्ट देखने को मिला था, जो कि उस समय इस प्राइस रेंज के अंदर काफी एक अच्छा पैकेज प्रोवाइड करा रहा था। बात करें इसके कुछ और हाइलाइटिंग फीचर्स के बारे में, तो हमें इसमें जो है फेस अनलॉक के साथ साथ टाइप सी का सपोर्ट देखने को मिला, जो कि 2019 को ये दोनों ही फीचर्स काफी ज्यादा पॉपुलर थे, जहां पे टाइप सी फोन्स का डिमांड जो है काफी ज्यादा था, और हमें ये फीचर उस समय कुछ गिने चुने ही मिड रेंज स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल रहा था। और साथ ही साथ हमें इसके अंदर जो है एंड्रॉइड 1 का UI देखने को मिला, जो कि काफी लोगों को पसंद आता है, जहां पे वे अपना यूजिंग एक्सपीरियंस जो है क्लीन रखना चाहते हैं, जहां वे किसी भी तरह का जो है थर्ड पार्टी ऐप जो है प्रेफर नहीं करते अपने स्मार्टफोन के अंदर। तो मे बी ये हो सकता है कि इन चारों रीजन की वजह से जो है काफी लोगों ने इस स्मार्टफोन को बाय करना प्रेफर किया। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स के बारे में, जहां पे मैंने 2 साल के टाइम पीरियड में क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है फेस किया है। तो मेरे पर्सनल यूजिंग एक्सपीरियंस की बात की जाए, जहां से मैंने फोन को बाय किया है, तो अब तक मुझे किसी भी तरह का जो है मेजर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है। हालांकि इस टाइम पीरियड के बीच जो है इसका प्रोसेसर जो है थोड़ा वीक हो गया है, जहां पे परफॉर्मेंस के मामले में आपको ये फोन जो है थोड़ा सा जर्की फील होगा, लेकिन अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मैं अभी भी जो है स्मार्टफोन डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि हमें इसके अंदर जो है एंड्रॉइड 1 का सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर आप गर्मियों में गेमिंग और वीडियो एडिटिंग जैसे हैवी टास्क करते हो इस फोन के साथ, तो आपको ये फोन जो है हीटेड फील होगा, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो जहां पे आप डे टू डे वर्क करते हो, तो शायद ही आपको जो है इसके अंदर जो है हीटेड का इशू देखने को मिले। बात करें इसके सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बारे में, तो शॉमी दिसंबर 2020 को काफ़ी Mi A3 यूजर्स को जो है एंड्रॉयड 11 को लेकर के अपडेट भेजा था, जहां पे इस अपडेट को अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करने के बाद काफ़ी Mi यूजर्स का जो है फ़ोन डेड हो गया था, या फिर पूरी तरह से जो है बंद हो गया था, और अगर उन्हें अपना फ़ोन फिर से जो है रिबूट या फिर रीस्टार्ट करवाना था तो उन्हें Mi के सर्विस सेंटर जाना पड़ा, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट बन चुका था। और यही चीज़ जो है हमें एंड्रॉयड 10 के अपडेट्स को लेकर के भी देखने को मिली, जहां पे शॉमी बार बार बग्स भेजते रहा, और हमें कम से कम 2 से 3 बार इसे फिर से जो है इस बग्स को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करना पड़ा, तब जाकर के हमें एक स्टेबल एंड्रॉइड 10 का जो है अपडेट देखने को मिला। तो सॉफ्टवेयर अपडेट्स के मामले में Xiaomi का इस फोन का जो हिस्ट्री है ये काफी ज्यादा खराब रहा है, लेकिन Xiaomi ने अभी इसे फिक्स कर दिया है, और प्रोबेबली हमें फ्यूचर में इस तरह की प्रॉब्लम्स ना देखने को मिले। और आपने भी अगर इस अपडेट के रिगार्डिंग किसी भी तरह के प्रॉब्लम को फेस किया है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस डिवाइस की ड्यूरेबिलिटी और परफॉर्मेंस के बारे में। तो ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए, तो हमें Mi A3 के अंदर जो है ग्लास बैक देखने को मिलता है, और आप में से काफ़ी जो है Mi A3 यूज़र इस ग्लास को ऑलरेडी ब्रेक कर दिए होंगे, लेकिन अगर आप एक कवर के साथ यूज़ करते हो तो आप काफ़ी हद तक जो है इसे प्रोटेक्ट कर पाओगे। जहाँ इसके परफॉर्मेंस की बात की जाए, तो हमें इसके अंदर जो है स्नैपड्रैगन 665 देखने को मिलता है, जो कि एक डिसेंट प्रोसेसर है, ये आपके डे टू डे वर्क को जो है इजिली हैंडल कर लेता है, जहाँ पे आप COD और PUBG मोबाइल जैसे गेम मीडियम सेटिंग पे आसानी से जो है खेल पाओगे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्या आपको ये 2021 में बाय करना चाहिए या नहीं। तो 13,000 के प्राइस रेंज के अंदर जो है आपको मार्केट में काफ़ी सारे फोन्स के जो है ऑप्शन देखने को मिल जाएगी, जो कि Mi A3 को काफ़ी हद तक जो है टक्कर देती है। लेकिन अगर आप एक Mi फैन हो और आप एक स्ट्रॉन्ग एंड्रॉयड फ़ोन जो है एक्सपीरियंस करना चाहते हो या बाय करना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली जो है Mi A3 को कंसिडर कर सकते हो, जो कि अभी भी एक काफ़ी अच्छा पैकेज आपको प्रोवाइड कराता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के आखिरी टॉपिक के बारे में, वो है Mi A3 के अंदर जो है एंड्रॉयड 12 का अपडेट। तो ये तो कंफर्म है कि हमें इस डिवाइस के अंदर एंड्रॉयड 12 का अपडेट देखने को मिलेगा, लेकिन हमें फ्लैगशिप स्मार्टफोन के कंपैरिजन में जो है थोड़ा सा वेट करना होगा। अभी इस एंड्रॉयड की बीटा वर्जन 3 की टेस्टिंग चल रही है, जहां ये इस साल के अगस्त में हमें इसके फाइनल वर्जन जो है देखने को मिल जाएगा, जहां हमें एज ऑलवेज सबसे पहले गूगल्स के फोन के अंदर जो है हमें पहले अपडेट देखने को मिलेगा।
यानी हमें एम आई A3 के अंदर जो है एंड्रॉयड 12 का अपडेट सितंबर से अक्टूबर के बीच देखने को मिल सकता है, जहां आप अपने डिवाइस के सेटिंग में जाकर के सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू जो है इसे डायरेक्टली जो है अपडेट कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और आप ऑलरेडी एम आई A3 यूज़र हो तो नीचे कमेंट करके अपना यूज़र एक्सपीरियंस जो है ज़रूर शेयर करना, और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो इस स्मार्टफोन के रिगार्डिंग और भी अपडेट्स जानने के लिए। और हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर।